अन्याय अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। आरोपियों ने, बाबा बालकनाथ ने और उनके इशारे पर जो दबंग लोगों ने हमारे समाधि तोड़ी है, डेरे को खाली करवाया, हमारे बाबा की डाढ़ी मूछ पाड़ी है, धक्का मुक्की करी है, उनको गाली गलौज कह के, डेड कमीन हरिजन कह के उनको बाहर निकाला है, ऐसे लोगों के खिलाफ CST के तहत मुकदमा दर्ज करके उनको जेल में डालें, ताकि देश और प्रदेश के अंदर हमारा भाईचारा जो का तो बना रहे। या तो अब समय रहते जाग जाओ, नहीं देश के अंदर मनुस्मृति दोबारा से लागू होने वाली है। अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। दलित साधुओं के साथ अन्याय अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो। बाबा बालकनाथ पर CST का मुकदमा दर्ज करो, दर्ज करो। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास जांगड़ा, असली खबर पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं साथ में कुछ लोग नारेबाजी कर रहे हैं, आइए जानते हैं इनका क्या क्या समस्या है और क्यों नारेबाजी कर रहे हैं। जी आप अपना नाम बताएं। सर मेरा नाम कृष्ण माजरा है। कृष्ण जी, ये नारेबाजी क्यों हो रही थी? नारेबाजी कौन गुंडागर्दी कर रहा है आपके? नारेबाजी इसलिए हो रही है, मैं आपको बता दूं, 3/7/2020 में बाबा बालकनाथ सांसद अलवर से जो अस्थल बोर्ड डेरा के मंथ है, इन्होंने कोरोना महामारी का फायदा उठाते हुए हमारे वहाँ मठ के अंदर दलित साधुओं की समाधि थी, जिसको एक षड्यंत्र के तहत तुड़वाया गया। और इससे हमारे, मैं आपको बता दूं कि ये समाधियाँ कम से कम 250 वर्ष पुरानी हमारे दलित साधुओं की समाधि थी, जो बाबा बालकनाथ के आंखों में रड़क रही थी, इसने कोरोना महामारी का फायदा उठाते हुए इन्होंने एक साजिश के तहत तुड़वाया गया है उसको लेकर। बालकनाथ जी तो अलवर से सांसद है ना, और आपका मामला रोहतक का है, तो आपको क्या लगता है क्यों पीछे पड़े हो? बालकनाथ जी सांसद भाजपा से है और अलवर से है, मगर वो डेरा जो वहाँ रोहतक का जो डेरा है, मेन डेरा है, वहाँ के मंत भी हैं और वहाँ के वो संचालन करता भी हैं। कौन से डेरे के जो आप जिसके साथ आपका झगड़ा है? बाबा बालक जो मस्तनाथ डेरा है, उसी के अंदर, जिसके अंदर हमारी दलित साधुओं की समाधि थी, जो 300 किलो के अंदर बना हुआ है, उसके अंदर हमारी समाधियाँ थी। मैं आपको बता दूं, बाबा मस्तनाथ जो है उसके तीन शिष्य थे, तीन परंपराएं वहाँ चलती आ रही, तीनों परंपराओं की समाधियाँ वहाँ बनी हुई है, जो हमारे चमारवा डेरा के नाम से जो डेरे जो हमारे दलित साधु थे उनकी समाधि उन्होंने तुड़वाई है, जो SC ST से, जो दलित समाज से संबंध रखते थे। जी अच्छा, ये जो तुड़वाई है ये कब का मामला है? ये मैं आपको 3/5/2020 का मामला है, और तब जब हमने उसी दौरान हमने प्रशासन को भी इतला किया था, मगर यहाँ का प्रशासन, जो रोहतक का प्रशासन है, वो बिल्कुल सोया हुआ है। क्या है कि मैं आपको पता है कि देश के अंदर भाजपा की सरकार है, RSS की सरकार है, और RSS नहीं चाहता, RSS चाहता है कि देश के अंदर मनुस्मृति लागू हो, और ये चाहता है कि जो शूद्र लोग थे देश के अंदर, जो शूद्र लोग है, ये जो इनकी पुरानी व्यवस्था थी उसी के अंदर ये अपना जीवन व्यापन करे, ये पूजा पाठ से दूर रहे। ये किस बात का हवाला लेके तुड़वाएगा, इसकी कोई जानकारी मिली आपको? इसके ये हवाला लेके कराया गया कि इन समाधियों का हम पुनः निर्माण करवाएंगे, और जबकि आपको मैं दिखाऊंगा, हमारे पास कुछ फोटोज हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। निकालो भाई तब तक। ये देखिए, ये हमारी प्राचीन समाधियाँ थी, ये बाबे द्वारा, ये हमारी समाधियाँ थी, ये बाबा द्वारा तुड़वाई गई, JCB ट्रैक्टर से मलबा उठाया गया, ये हमारा वहाँ मठ था, ये आप देख सकते हो, ये मलबा यहाँ पड़ा है, ये JCB द्वारा तुड़वाई गई है, और जिस साधु ने इसका विरोध किया, बहुत बड़ी बात है, जिस साधु ने, जो इस परंपरा से जुड़े हुए थे, जो मंत थे हमारे रमेश नाथ जी, जो इस संस्था से जुड़े हुए थे, जो दलित समाज से बिलोंग करते हैं, उनका साथ लगता ही डेरा है, जो ओगड़ पीर मठ के नाम से है, तो और चमरवा डेरा के नाम से प्रसिद्ध है, जिस साधु ने इनका विरोध किया, मैं आपको बता दूं कि बाबा बालकनाथ के इशारों पर रोहतक के बहोर के कुछ दबंग लोगों द्वारा भी हमारे संत को और जो उनके अनुयायी थे उनके साथ धक्का मुक्की करके डेरे से बाहर निकाल दिया गया, और ये कह के बाहर निकाल दिया गया कि ये डेरा अस्थायी तौर पर हमें बाबा रमेश नाथ को बैठा था, ये इसके पक्के मंत नहीं है, इसका मंत हम कोई और बताएंगे। जबकि मैं आपको बता दूं, 16/1/2020 को रोहतक न्यायालय भी इसको स्थाई घोषित कर चुके हैं बाबा रमेश नाथ को, मगर ये लोग संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए इसको अस्थाई घोषित करके हमारे मंत को वहाँ से, डेरे से बाहर निकाल दिया। तो अभी महन जी किस अवस्था में कहाँ है, कुछ जानकारी? महन जी कभी रोहतक रहते हैं, कभी वो अपनी जान को बचा रहे हैं,
वो मैं आपको बता दूं कि वो गुप्त रहते हैं, क्योंकि वो सरकार के जो जो गुंडे हैं, जो आरएसएस बाबा के जो बालकनाथ के गुंडे हैं, उनको उनकी जान को भी खतरा है। वो कभी राजस्थान रहते हैं तो कभी पंजाब रहते हैं, अपनी जान को बचाते हुए छुपते फिर रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए सर, जैसे ये रोहतक का मामला है, अलवर के सांसद की इसमें भूमिका है, ये कैथल में क्या योगदान है? कैथल में हमारे यहाँ के जो हम कैथल के लोग हैं यहाँ, ये इनकी व्यवस्था उनसे जुड़ी हुई है। मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ के ये जो हमारे संत हैं जो वहाँ बैठे हुए थे बाबा रमेश नाथ जी, ये जखौली से बिलोंग करते हैं। अच्छा। ये पास में ही है जखौली, और यहाँ भी उनके अनुयायी हैं, उनके अनुयायियों ने, हम भी उनके अनुयायी हैं, उनके अनुयायियों ने आज कैथल के डीसी को महामहिम के नाम ज्ञापन भेजा है कि जिन आरोपियों ने, बाबा बालकनाथ ने और उनके इशारे पर जो दबंग लोगों ने हमारे समाधि तोड़ी है, डेरे को खाली करवाया, हमारे बाबा की डाढ़ी मूछ पाड़ी है, धक्का मुक्की करी है, और उनको गाली गलौज कह के, डेड कमीन हरिजन कह के उनको बाहर निकाला है, ऐसे लोगों के खिलाफ हम आज यहाँ कैथल डीसी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन भेजा है कि ऐसे लोगों के खिलाफ जो देश और प्रदेश के अंदर आपसी भाईचारा खराब करने पे तुले हुए हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ एससी एसटी के तहत मुकदमा दर्ज करके उनको जेल में डालें, ताकि देश और प्रदेश के अंदर हमारा भाईचारा जो का तो बना रहे। अच्छा इस मामले में सरकार पर दबाव बनाने के लिए और कहीं भी कोई धरना प्रदर्शन या कुछ इस तरीके का? लगातार रोहतक में धरने दिए गए, हिसार के अंदर भी हमने की, कल हमारे साथी करनेल सिंह गोड्डा से विधान बचाओ मोर्चा के माध्यम से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, कल की गई है, और कल कैथल और कुरुक्षेत्र के, कैथल के साथ 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 लगता कुरुक्षेत्र और अंबाला और चंडीगढ़ तक हम मीटिंग करते हुए जा रहे हैं, और पूरे प्रदेश को जागरूक कर रहे हैं कि या तो आप समय रहते जाग जाओ, नहीं देश के अंदर मनु स्मृति दोबारा से लागू होने वाली है। आप भी इनके साथ हैं जी? हाँ मैं इनके साथ आया हूँ। अच्छा आप कहाँ, कैथल से ही हैं? मैं कैथल से हूँ, ये मूल निवासी संघ का जिला अध्यक्ष हूँ मैं कैथल का। तो ये क्या मामला है, आप क्या, आप कुछ बताएंगे इसके बारे में? ये स्थल बोर्ड का है वहाँ पे रोहतक में। अच्छा। जिसकी यूनिवर्सिटी वगैरह, जिसके कॉलेज वगैरह भी हैं कई सारे हैं, और उसका जो महंत है स्थल बोर्ड का वो बाबा बालकनाथ है, और उसके साथ में लगती हुई जमीन है जो चमारुआ के नाम से जमीन है, उस पर कब्जे का मामला है। तो जो वहाँ के संत थे, जो चमार जाति के जो संत हुए हैं, उनकी समाधि को तोड़ने का मामला है, उनके आश्रम को तोड़ने का मामला है, और उनकी जमीन में जो करोड़ों की जमीन है उस पर कब्जे का मामला है, और उसके विरोध के लिए हम ये आए हैं और हम इनके साथ हैं। तो अभी तो इनके साथ है, इसके अलावा आप कुछ और धरना प्रदर्शन या अलग तरीके से साथ देने की कोशिश कर? अभी ये पूरे स्टेट लेवल पे ये साथी हैं, पूरे स्टेट लेवल पे कार्रवाई कर रहे हैं, सभी लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। जैसे भी प्लान बनेगा हम बड़े लेवल पे काम करेंगे, ऐसा प्रोग्राम करेंगे। ये सरकार ऐसे कर रही है, पहले इन्होंने दिल्ली में जो संत रैदास की मंदिर को तोड़ा था, जो 600 साल पुराना मंदिर था, जब ये सरकार भी नहीं थी, कोई देश भी नहीं था, तो इतनी पुरानी पुरानी सैकड़ों साल पुरानी जो जगह है हमारी अंग्रेजों से भी पहले की, उस जगह को छीनने का काम ये सरकार करने लग रही है। इस करके मतलब के हम पूरे हरियाणा में वो करके जागृति फैला करके फिर उस तरह का कोई प्रोग्राम करेंगे। आपको क्या लगता है जिस तरीके से संत समाज पे और दलित समाज पे हमला हो रहा, ये भविष्य में कहाँ देखते हैं आप बात? ये दरअसल ये मनु स्मृति को लागू करने की तरफ जान लग रही है सरकार। ये सरकार इस संविधान पर विश्वास नहीं करती। ये संविधान सभी धर्मों को, सभी जातियों को बराबरी का अधिकार देता है, सबको बराबरी का, सभी धार्मिक स्वतंत्रता, सभी को अपने जो आस्था है उसको भी रखने का अधिकार देता है, लेकिन ये उसको ख़त्म करके मनुस्मृति की तरफ जाने लग रहे हैं, और ये चाहते हैं मतलब ये जो दलित लोग हैं, अछूत लोग हैं, इनका कोई अधिकार ना रहे। और मेन बात ये है, जो करोड़ों रुपए की जमीन है उसके कब्जा का मामला है, मेन बात कब्जा का है। अच्छा, अच्छा जिस तरीके से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, आप प्रशासन तक तो जा रहे हैं, क्या कोर्ट में भी कोई जाने की तैयारी है, कोर्ट के जरिए, न्यायालय के जरिए? जब कोर्ट के बारे में तो जो साथी हैं ये बता पाएंगे, मेरे को कोर्ट के बारे में जानकारी नहीं। जी जी बिल्कुल, हमने इस लड़ाई को सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इस लड़ाई को लड़ेंगे, इसमें कोई दोराय नहीं है। मैं आपके नॉलेज में दे दूं कि इस लड़ाई को लड़ने के लिए हमारे हरियाणा के ही नहीं पूरे देश में मशहूर रजत कंसल जी इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, और उन्होंने निर्णय लिया है कि मैं जब तक दोषियों को अवालात में नहीं डाल देता, तब तक सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इसकी लड़ाई लड़ूंगा। रजत कंसल जी इसकी सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। अच्छा अच्छा सर, आपसे एक बात पूछना चाहेंगे, इसमें समाज की भी आप किस तरीके से हिस्सेदारी लेंगे, समाज को भी आप जागरूक करेंगे इस मामले? बिल्कुल, समाज सारा एकजुट होगा जी, और अगर जरूरत पड़ी तो हम इस डेरे के माध्यम से तगड़ा आंदोलन भी कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, आपके साथ ही आंदोलन की बात कह रहे हैं, आंदोलन को जैसे आंदोलन किसान आंदोलन को भी काफ़ी दिन हो गए हैं, तो आपको क्या लगता है आपका आंदोलन कैसे रहेगा? हमारा आंदोलन कामयाब होगा, क्योंकि समाज के आगे
और इस जनता के आगे कोई सरकार टिकने वाली नहीं है, क्योंकि सरकार आज आई या कल चली जाएगी, पता नहीं भविष्य में कितनी सरकारें आई हैं, पता नहीं कितने मुख्यमंत्री बने हैं, मंत्री बने हैं, लेकिन गुंडागर्दी नहीं चलेगी। और दलित समाज के ऊपर, किसी भी समाज के ऊपर अगर अत्याचार होगा, इन्हें तोड़ने और मरोड़ने की अगर सरकार काम करेगी, वो सरकार लंबे समय तक चलने वाली नहीं है। क्योंकि एक ही बात होती है, प्रजातंत्र। देखिए, राजा तो राजे को सबका बराबर का अधिकार होता है अपनी प्रजा को सुरक्षित रखे और भयभीत ना हो। इस सरकार के अंदर तो पूरी की पूरी प्रजा, आप चाहे किसान आंदोलन की बात करें, चाहे किसी धर्म की बात करें, किसी जाति की बात करें, आज कोई धर्म और जाति का एक भी व्यक्ति यहाँ इस सरकार के अंदर सुरक्षित नहीं है। इसीलिए हमारा ये आंदोलन है। पहले भी दिल्ली के अंदर जो डेरे के मामला हुआ, वहाँ भी सरकार को झुकना पड़ा और यहाँ भी सरकार को झुकना पड़ेगा। पूरा मंदिर की बात, बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों, ये थे दलित समाज के लोग और ये आज अस्थल बोहर वहाँ एक मठ है जिस पर भाजपा सांसद के इशारे पर इनका आरोप है कि कार्रवाई की गई, समाधियों को तोड़ा गया, पुनर्निर्माण का नाम लेकर ये सब कार्रवाई की गई। हम इस मामले में आपको और आगे जानकारी देते रहेंगे। आप भी चाहते हैं कि आप तक ऐसी असली खबरें पहुंचते रहें तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर आप हमें खबर दे सकते हैं। धन्यवाद।